नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ गट्टे की सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी है। आप एक बार इस तरह से गट्टे की सब्जी ज़रूर बनाएं, आपको काफ़ी पसंद आएगी। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं स्वादिष्ट गट्टे की सब्जी, जिसके लिए मैंने ये वाला 1.5 कप बेसन लिया है और बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। आप नाप के लिए कोई भी कप या कटोरी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। देखिए मैंने इस तरह से 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डाल देंगे। धनिया डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच, नमक डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अजवाइन डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 2 पिंच और कसूरी मेथी, मैंने रोस्टेड कसूरी मेथी ली है 1/2 चम्मच। इन सभी मसालों को बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त डो लगा लेंगे। इस तरह से गट्टे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं फ्रेंड, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। आप एक बार इस तरह से गट्टे की सब्जी ज़रूर बनाएं, आपको काफ़ी पसंद आएगी। देखिए डो मैंने लगा लिया है। जितना डो अच्छे से मसल के लगाएंगे, आपके गट्टे जो है उतने ही फ्लफी बनेंगे, उतने ही टेस्टी बनेंगे। डो लगाने में फ्रेंड्स 1/4 गिलास पानी लगा है, ज़्यादा पानी नहीं लगा है। अब हम हाथों को साफ करके गट्टे बना लेंगे। देखिए हाथों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। गट्टे मोटे पतले आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं ना तो ज़्यादा मोटे बनाऊंगी और ना ही ज़्यादा पतले। देखिए इस तरह से हम गट्टे बना लेंगे। सभी गट्टे हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इसी तरह सभी बना लिए हैं मैंने। पानी गर्म करना मैंने रख दिया था, अब हम इनको उबाल लेंगे। पानी हमारा उबल गया है, अब हम एक एक करके गट्टे वाली स्टिक इसके अंदर डाल देंगे। देखिए इस तरह से सभी बेसन की लंबी स्टिक डाल देंगे। और इनको अच्छे से उबाल लेंगे। फ्रेंड हमें इनको मीडियम फ्लेम पे इतना उबालना है जब तक कि इस गट्टों के ऊपर बूंदी बूंदी सी नहीं आ जाती। 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, जिससे कि ये आपस में चिपकेंगे नहीं और गट्टे जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। गट्टों को हमें 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है। देखिए इनको 4 मिनट तो हो गए हैं उबलते उबलते, उलट पलट कर देंगे। इसी तरह हम 1 मिनट और पका लेंगे। देखिए गट्टे पहले से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं इनकी साइज जो है बड़ी हो गई है। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से उबल गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं ये साइज़ में काफ़ी बड़े हो गए हैं। अब हम मसाला बना लेते हैं। 1 कटोरी लेंगे, उसके अंदर 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्ची का पाउडर 1 बड़ा चम्मच, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। मसाला हमारा तैयार हो गया है, इसे साइड में रख देंगे। अब मैंने 3 प्याज लिए हैं और 3 टमाटर और 3 हरी मिर्च ली है। प्याज को हम अलग से चॉपर में चॉप कर लेंगे, हरी मिर्च और टमाटर को हम अलग से चॉप कर लेंगे। आप मिक्सी में इनका पेस्ट भी बना सकते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है, गैस हमारी ऑन है। अब हम कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा चम्मच तेल का डाल देंगे।
और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर एक चम्मच जीरे की डाल देंगे और आधी चम्मच हम इसके अंदर अजवाइन की डाल देंगे। जब ये दोनों अच्छे से भुन जाएंगी तब हम इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। आप इसके अंदर हींग भी डाल सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से गट्टे की सब्जी बनाई है फ्रेंड, पर खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनी है। घर में मौजूद सामान से ही आप इस सब्जी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और प्याज भी हमारे देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च का ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डाल देंगे और इसे भी अच्छे से तेल के अंदर मिक्स करते हुए भून लेंगे। मसाले डाल देंगे जो हमने मिक्स करके रखे थे। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मसाला वैसे भुन गया है, पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मसालों को आप लो फ्लेम पे ही भुनें, हाई फ्लेम पे भुनेंगे तो मसाले जल जाएंगे। अब हम इसके अंदर एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी मिक्स करते हुए मसाले के साथ भून लेंगे। देखिए मसाला हमारा भुन गया है। मसाला इकट्ठा होने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि मसाला जो है वो भुन गया है। अब हम इसके अंदर गट्टे डाल देंगे। मैंने इस साइज़ के गट्टे बनाए हैं फ्रेंड्स, देखिए इनको मैंने काट लिया है। आप अपने हिसाब से बड़े छोटे जैसे चाहें काट सकते हैं और इन्हें मसाले के अंदर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने 3 चम्मच दही लिया है वो डाल देंगे। मैंने हल्का सा खट्टा दही लिया है, ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए हमें, हल्का सा खट्टा। अगर आपको पसंद हो तो डालें वरना ना डालें। दही की जगह आप नींबू भी डाल सकते हैं और 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, पर अगर आपको खट्टा पसंद है तो ही डालें वरना ना डालें। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। मैंने वही पानी यूज़ किया है फ्रेंड जिसमें मैंने गट्टे उबाले थे। इसमें से मैंने 1/2 कप पानी निकाल लिया है, कहीं ज़्यादा ना रहे, अगर कम पड़ेगा तो हम डाल देंगे वरना नहीं डालेंगे। सब्जी को गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी गाढ़ी पतली आप सब्जी खाते हो। मुझे सब्जी गाढ़ी लग रही है तो मैं ये पानी भी इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि सब्जी अभी हमारी 3 से 4 मिनट तक उबलेगी। ज़्यादा पतली सब्जी गट्टे की अच्छी नहीं लगती है क्योंकि गट्टे अलग और पानी अलग दिखता है। फिर मैंने 1 चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी ली है, आप इसकी जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं, पर रोस्टेड कसूरी मेथी से सब्जी का कलर भी चेंज हो जाता है और सब्जी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लगती है फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी लगती है और इसकी खुशबू जो है सब्जी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, पर ऊपर से कवर करके ही पकाएं और गैस का फ्लेम मीडियम रखकर ही पकाएं। देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं, हमारी सब्जी देखिए पहले से काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है और ये सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनी है। चाहे आप पूड़ी पराठा चपाती किसी के साथ भी खाएं, गैस को बंद कर देंगे और मैंने इसे एक बाउल में सर्व कर लिया है। देखिए फ्रेंड कितनी सुंदर दिख रही है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। एक बार इस तरह से आप गट्टे की सब्जी ज़रूर बनाएं, आपको और आपकी फैमिली को काफ़ी पसंद आएगी। फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।